जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम राफेल एम और F-18 हॉर्नेट के बीच तुलना करने वाले हैं। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा में राफेल के समुद्री वर्जन राफेल एम का टेस्ट किया और आने वाले वक्त मतलब मार्च में F-18 हॉर्नेट का भी टेस्ट होने वाला है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना अपने नए विमानवाहक पोत यानी न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश में है, जिसके लिए भारतीय नौसेना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों का परीक्षण कर रही है। भारतीय नौसेना के इस डील को हासिल करने के लिए राफेल एम और F-18 हॉर्नेट में कड़ी टक्कर है। यह तुलना इन फाइटर एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन पर आधारित है। तो करते हैं आरंभ बिना किसी देरी के। F-18 सुपर हॉर्नेट को अमेरिका कंपनी बोइंग ने बनाया है, वहीं राफेल एम को फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। ये दोनों ही ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट को टच सेंसिटिव कंट्रोल डिस्प्ले से इक्विप किया गया है और ये एक लार्ज मल्टीपर्पस लिक्विड कलर डिस्प्ले है जो कई टेक्टिकल इन्फॉर्मेशन को दर्शाती है और साथ ही इसमें दो मानो क्रोम डिस्प्ले और एक न्यू इंजन फ्यूल डिस्प्ले भी लगाया गया है। और राफेल के कॉकपिट को डेटा फ्यूजन से डिजाइन किया गया है। इसमें लगा कंप्यूटर काफ़ी ताकतवर है जो कि पायलट के काम को आसान बनाता है सारे डाटा को एक जगह प्रदर्शित करके। बात करें स्पीड की तो F-18 हॉर्नेट की मैक्सिमम स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं राफेल एम की स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों के स्पीड में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन F-18 की फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण F-18 ज़्यादा देर तक ऑपरेट कर सकता है। F-18 की रेंज 3330 किलोमीटर है, राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। F-18 का कॉम्बैट रेडियस 722 किलोमीटर है, राफेल का कॉम्बैट रेडियस 1852 किलोमीटर है। रेंज और कॉम्बैट रेडियस के मामले में राफेल F-18 से काफ़ी आगे निकलता दिखाई देता है। F-18 को जनरल इलेक्ट्रिक के F414GE400 टर्बोफैंस इंजन से इक्विप किया गया है जो कि 62.3 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और आफ्टर बर्नर के बाद ये 97.9 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं। राफेल एम को स्निग्मा M882 टर्बोफैन इंजन के साथ इक्विप किया गया है जो कि 50.04 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, आफ्टर बर्नर के साथ 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। F-18 की लेंथ 18.31 मीटर, विंग स्पैन 13.62 मीटर, हाइट 4.88 मीटर, विंग एरिया 46.5 मीटर स्क्वायर, लोडेड वेट कैपेसिटी 21,320 किलोग्राम, मैक्सिमम वेट टेक ऑफ कैपेसिटी 29,937 किलोग्राम। और राफेल की बात करें तो लेंथ 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10.80 मीटर, हाइट 5.34 मीटर, विंग एरिया 47.7 मीटर स्क्वायर, लोडेड वेट कैपेसिटी 15,000 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी 24,500 किलोग्राम है।